नमस्कार, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट विजार्ड्स। आज के वीडियो में हम भारत रोड नेटवर्क लिमिटेड शेयर का डिटेल्स में टेक्निकल एंड फंडामेंटल को एनालिसिस करेंगे। स्टॉक का प्राइस में किस टाइप का टेक्निकल चार्ट सेटअप बन रहा है एंड आने वाले टाइम में क्या प्राइस मूवमेंट हो सकता है। तो देखिए, स्टॉक का प्राइस में एक बड़ा टाइम फ्रेम का रिवर्सल देखने को मिल रहा है। आफ्टर ए स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड, प्राइस ने बेस में बॉटम फॉर्मेशन किया, एक जोन के अंदर कंसोलिडेशन किया एंड फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट किया है। एंड जिस टाइप का अभी सेटअप दिखाई दे रहा है, आने वाले टाइम में बड़ा मूवमेंट आ सकता है। देखिए, इसका फंडामेंटल वीक है, लेकिन जिस टाइप का टेक्निकल की वजह से यहां पे आउट परफॉर्मेंस आ सकता है, क्योंकि किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल रिफ्लेक्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन उससे पहले प्राइस उसको कैप्चर करने की कोशिश करता है एंड प्रोबेबिलिटी हाई है कि प्राइस जिस टाइप का रेंज ब्रेक कर रहा है, आने वाले टाइम में इसका रिजल्ट भी अच्छा आ सकता है। तो डिटेल्स में अभी हम कवर करते हैं। उससे पहले, अगर अभी तक आप स्टॉक मार्केट विजार्ड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज यूजल किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले या एनालिसिस करने से पहले आपको पता होना चाहिए उस स्टॉक का सेक्टर क्या है एंड इंडस्ट्री क्या है। अगर आप इस स्टॉक का सेक्टर देखेंगे कंस्ट्रक्शन का, इंडस्ट्री है कंस्ट्रक्शन का। ये जो स्टॉक का मार्केट कैप है अराउंड 500 करोड़ के आसपास है, जो कि एक छोटा सा माइक्रो कैप कंपनी है। एंड जो कंपनी के पास रिजर्व कैश है 150 करोड़ के आसपास। डेप इक्विटी 5.84, जो कि रेड फ्लैग है, एबव 1 है। प्राइस टू बुक वैल्यू बन रहा है 1.96। इसका बुक वैल्यू है 28 एंड करंट प्राइस चल रहा है 54 के आसपास। प्रमोटर यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं 54%, जो कि मैनेजेबल है। अगर अभी हम क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे सेल्स एंड नेट प्रॉफिट को, तो देखिए सेल्स तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस के ऊपर ग्रो हो रहा है बिकॉज ऑफ ऑपरेशनल चार्जेस। यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट जो है यहाँ पे नेगेटिव है। लास्ट 5-6 क्वार्टर में नेट प्रॉफिट यहाँ पे नेगेटिव है, जिसको आप रेड फ्लैग कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन सेल्स यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली एक अप ट्रेंड में चल रहा है। देखिए, जब भी किसी भी स्टॉक का आने वाले टाइम में रिजल्ट अच्छा आने वाला होगा ना, एक क्वार्टर से पहले प्राइस उसको डिस्काउंट करने की कोशिश करता है एंड प्राइस स्टार्टिंग से ही अपमूव कर लेता है। उसके बाद रिजल्ट अगर कंटिन्यू आएगा, उसी ट्रेंड को प्राइस वहाँ पे कंटिन्यू करेगा। अगर रिजल्ट फिर से खराब आता है तो वहाँ पे प्राइस फिर से रिवर्सल कर लेगा। लेकिन जिस टाइप का चार्ट सेटअप दिखाई दे रहा है, लग रहा है कि आने वाले कुछ क्वार्टर में इस स्टॉक का रिजल्ट अच्छा आ सकता है, जिस टाइप का चार्ट देखने को मिल रहा है। तो आगे जाकर हम चार्ट को डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे। अगर अभी हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, प्रोमोटर के पास देखिए अराउंड 54% शेयर होल्डिंग है, डीआई के पास कुछ भी नहीं है एंड यहाँ पे पब्लिक होल्ड कर रहे हैं 46% के आसपास होल्डिंग। अगर पब्लिक कैटेगरी में बिग इन्वेस्टर का होल्डिंग हम देखेंगे, देखिए बिग इन्वेस्टर यहाँ पे अराउंड होल्ड कर रहे 33%, जैसे कि पब्लिक कैटेगरी में होल्डिंग है 46 एंड बिग इन्वेस्टर यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं 33। तो टोटल यहाँ पे पब्लिक के पास जो माल है 13% के आसपास, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। किसी भी स्टॉक में रिटेल पार्टिसिपेशन बिलो 20% आप उसको पॉजिटिवली कंसीडर कर सकते हैं एंड स्टॉक में रिटेल होल्डिंग ओनली 13% है, जो कि पॉजिटिव साइन है। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, ठीक ठाक है, यहाँ पे अच्छा खासा बिग इन्वेस्टर होल्ड कर रहे हैं जिनका होल्डिंग एबव 1% है, क्योंकि एबव 1% शेयर होल्डिंग पैटर्न में नाम आ जाएगा, जो कि सारा नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं जिनका होल्डिंग एबव 1% है। एंड बिलो 1% शेयर होल्डिंग वो रिटेल पब्लिक ही होल्ड करते हैं, क्योंकि हमारे पास उतना कैपिटल नहीं होता है जहां पे कि हम 1% से ऊपर किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखेंगे, थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन चार्ट सेटअप जिस टाइप का दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक बार रिवर्सल का साइन आ सकता है आने वाले टाइम में। तो चलते हैं चार्ट के ऊपर। देखिए, आपके स्क्रीन के सामने जो चार्ट ओपन हुआ है, ओपन हुआ है भारत रोड नेटवर्क लिमिटेड BRNL का एंड टाइम फ्रेम यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है वीकली। अगर आप इस स्टॉक का चार्ट सेटअप देखेंगे, प्राइस देखिए यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद बॉटम में यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन किया था एंड इस बेस को देखिए फाइनली प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट कर चुका है। देखिए, ये था डाउन ट्रेंड के बाद प्राइस यहाँ पे खुद को अकुमुलेशन किया, मीन्स खुद को कंसोलिडेशन किया एंड जिस टाइप का सेटअप बनाकर प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है, प्रोबेबिलिटी हाई है कि आने वाले टाइम में स्टॉक का प्राइस यहाँ पे टेस्ट कर सकता है। ये जो हाई यहाँ पे बना है नियरली 130 के आसपास, 130 लेवल को ब्रेक करने के बाद उसका लाइफ हाई को टेस्ट कर सकता है। फर्स्ट लेवल 130, इस लेवल को टेस्ट करेगा, नेक्स्ट लाइफ हाई को टेस्ट करेगा। देखिए, एक स्ट्रॉन्ग बेस को यहाँ पे ब्रेकआउट किया है, इस जोन के अंदर प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेकआउट किया है एंड जो प्रीवियस स्विंग लो यहाँ पे बन रहा है, उसी स्विंग लो के नीचे एग्जिट पॉइंट को हम डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी सेटअप में हमेशा से प्रीवियस स्विंग लो एक्ट एज ए स्टॉप लॉस या एग्जिट पॉइंट। अभी के लिए क्लियर कर देखिए, प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट कर चुका है तो आने वाले टाइम में कंटिन्यूशन मूव आ सकता है। स्टॉक को अपने रडार में रखिएगा, क्वांटिटी को मैनेज कीजिएगा।
अनप्रोबेबल है कि आने वाले कपल ऑफ मंथ या कपल ऑफ ईयर के अंदर प्राइस उसका लाइफ है को टेस्ट कर सकता है। अच्छा लगा वीडियो, अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।